था कॉन्वॉय के जो वर्कर्स यूनियन है उन लोगों का बहुत दिनों से स्ट्राइक कर रहा था, कई लेटर्स भी उन्होंने दिए हुए थे। इस पर हम लोग दो तीन बार जांच करा चुके थे लेबर इंस्पेक्टर से और जांच में कई चीज़ें सामने आई थी, लेकिन लगातार जो आंदोलनकारी थे इनका कहना था कि वहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है जिसको टाटा के द्वारा डिनाई किया गया था, तो उसी की जांच करने हम लोग पहुँचे थे। तो वहाँ पे वाकई में कैश पेमेंट हो रहा है जिसका वीडियो वगैरह भी बनाया गया है और उन सबको हम लोगों ने थाना भेज दिया है जाँच करने के लिए। सना दर्ज की गई है उनके खिलाफ और दो लोग और हैं जिनके पास से भारी मात्रा में जो है दूसरे लोगों के लाइसेंस मिले, तो ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे ये पता चला है कि शायद ड्राइवर कोई और होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई और होता है, उसके नाम पे पर्चा काट के भेज दिया जाता है, तो इसके लिए भी सना दर्ज कर दी गई है। अब थाना उसके मैडम वो जो किन कारणों से उनकी लंबी इतनी धरना चल रही है? उनकी जो मांगे थी वो बेसिकली टाटा मोटर्स से ही थी। उनकी मांगों में वो इंक्लूडेड था कि उनको पीएफ नहीं मिल रहा है और डेली वेजेस के अनुसार जो पैसा है उससे बहुत कम राशि दी जा रही है और काट करके पैसा पेमेंट किया जा रहा है और जो भी कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं, जो नॉर्मल मिनिमम वेजेस के रूल्स हैं गाइडलाइंस नहीं फॉलो की जा रही है। प्लस उनका ये कहना था कि यहाँ पे जितना पेमेंट होता है वो कैश पेमेंट होता है और एक टाटा मोटर्स यूनियन का ही एक ऑफिस है जिसको पहले सील कर दिया गया था लेकिन अभी वो ओपन है। और मैम किसी की गिरफ्तारी हुई है उसमें? गिरफ्तारी नहीं हुई है, तीन चार लोगों को हम लोगों ने थाना में भेजा गया है, सना दर्ज की गई है, उनसे जांच पड़ताल होगी। स्पेशली जो दो लोग हैं जिनके पास से श्याम यादव और मुख्तार सिंह जिनके पास से 10-10 लाइसेंस प्राप्त हुए हैं, तो उसकी जांच होगी कि दूसरों के लाइसेंस वो कैसे रखे हुए हैं, तो उसके सीधे 420 का मामला बनता है, वो चेक किया जा रहा है। और मोहम्मद इब्रार, बीरेन सिंह और प्रमोद सिंह ये लोग मिले थे जो कि वहाँ पे कैश रिटर्न करते हैं। जमशेदपुर वासियों को मंगल बाजार के लिए अब नहीं करना होगा मंगलवार का इंतजार, क्योंकि अब मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड में खुल चुका है मंगला हाट, जहां आपको हर दिन मंगल बाजार के तर्ज पर मिलेंगे फैक्ट्री माइनर रिजेक्शन ब्रांडेड कपड़े, वो भी वाजिब दामों में। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड जेसु भवन के समीप रोलेक्स टावर के मंगला हाट में आपको मिलेंगे लड़के लड़कियों एवं छोटे बच्चों के लिए माइनर रिजेक्शन ब्रांडेड कपड़े, वो भी सिर्फ 30 रुपये, 50 रुपये, 99 रुपये, 150 रुपये एवं 200 रुपये और उसके ऊपर वाजिब दामों में। तो याद रखें, अब आपको कम दामों में अच्छे कपड़े खरीदने के लिए मंगल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड में खुल चुका है मंगला हाट, एकदम वाजिब दाम।